सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। दोस्तों, कृषि से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं, ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी आज लेकर आए हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे हर कोई चाहता है उसकी कुछ साइड इनकम, तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं ईंट भट्टा उद्योग के बारे में। मिट्टी से बनी ईंटों के बारे में हम बात करेंगे, इसमें किन चीजों की जरूरत होगी, क्या इसकी कॉस्ट आएगी, इससे मुनाफा कैसे कमाएंगे, उन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। मैं जसपाल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ा लिखा किसान। दोस्तों, अगर आप खेती किसानी करते हैं तो ये उद्योग आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे किसान भाई हैं, अधिकतर किसान भाई की जो इनकम है या वो खेती के थ्रू आती है, टोटली खेती पर ही डिपेंड होती है। तो ऐसे में लगभग किसान भाई की जो फसल होती है उसको पकने में 3 से 4 महीने लगते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर निकालते हैं, फिर मंडी में ले जाते हैं, उसको बेचते हैं। लगभग इस प्रोसेस को 5 महीने लगते हैं जब जाके किसान के पास पैसा आता है। तो ऐसे में जरूरी होता है कि उसका रेगुलर जो खर्चा है वो किसी साइड इनकम से निकले। तो ऐसे में ईंट भट्टा उद्योग बिल्कुल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम है और प्रॉफिट बहुत सारा है। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन का काम भी बड़े लेवल पे हो रहा है। आजकल हर कोई चाहता है कि वो नया घर बनाए, नया मकान बनाए, या फिर नई दुकान बनाए, नया वेयर हाउस बना रहा है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहाँ ईंटों की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये उद्योग कभी फेल होने वाला नहीं है, दिनों दिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आपको बस क्वालिटी मेंटेन करनी है, ईंटों की अच्छी क्वालिटी मेंटेन करनी है, मिट्टी की ईंटें, तो आप एक अच्छा खासा पैसा इससे कमा सकेंगे। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आप इसमें क्या खर्चा आएगा, इससे मुनाफा कैसे होगा, किन किन चीजों की जरूरत होगी, तो फैक्ट टू फैक्ट पॉइंट टू इस तो बात करेंगे। दोस्तों, अगली बात आती है कि इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में हमको सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली मिट्टी की, अच्छी मिट्टी हमको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बिजली, पानी, स्पेस और लकड़ी, और लकड़ी का बूरा, इन चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप किसान है, खेतीबाड़ी है आपके पास, तो स्पेस और पानी तो आपके पास अवेलेबल होगा, अधिकतर किसान के पास होता है, और बिजली भी अवेलेबल होगी। बाकी जो मिट्टी की कॉस्ट की हम बात करें, तो हमारे क्षेत्र में जो है मिट्टी रेट, मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है आपके क्षेत्र के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे हो, बाकी हमारे क्षेत्र में जो चल रहा है उसका मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो मिट्टी की ट्राली लाए थे वो लगभग 500 रुपए की मिट्टी की ट्राली पड़ी थी, और 500 समथिंग हमारा भाड़ा पड़ा था, तो 1000 रुपए की तो हमको एक ट्राली मिट्टी की पड़ी। उसके बाद जो एक ट्राली मिट्टी थी उसमें हमारी 2000 ईंटें बनकर तैयार हुई, तो इसमें जो कॉस्ट आई हमको लेबर की कॉस्ट 2000 रुपए, 1 रुपए की एक ईंट की कॉस्ट लेबर की आती, तो 2000 रुपए हमको वो ईंटों की लेबर की कॉस्ट आ गई। उसके बाद दोस्तों तीसरी हम बात करें तो लकड़ी, लकड़ी का बूरा और पानी, बिजली, इसका सब मिलाकर खर्चा 2000 रुपए, तो लगभग हमारी जो कॉस्ट है, खर्चा है 2000 ईंटों पे, वो है 5000 रुपए। उसके बाद हम ईंट सेल करेंगे तो लगभग एक ईंट का रेट हमको 5 रुपए या 6 रुपए मिलता है, तो उसमें हम इंटू करें 5 से, मान लो आप तो 5 से इंटू करो तो 2000 ईंटों का 10000 बनता है, तो ऐसे में आपको 5000 का 10000 बन रहे वैसे, तो एक का डबल हो रहा है, तो बहुत ही शानदार ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा उद्योग है। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो इसके लिए तो बहुत बढ़िया उद्योग है, उसके साथ आप कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी इनकम अर्न करोगे आप। उसके बाद ये जो ईंटों का जो बिजनेस है ये कभी फ्लॉप नहीं होता, हमेशा इसकी डिमांड बढ़ रही है, हर रोज ईंटों की जरूरत पड़ती है, तो ये बहुत शानदार ऑप्शन है। बाकी जो हमने रेट बताए ये हमारे क्षेत्र के अनुसार बताए, हो सकता है आपके क्षेत्र में थोड़े ऊपर नीचे हो तो उसका भी ध्यान रखें, और आप जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग परमिशन भी लेनी पड़ती है, जैसे खनन विभाग से आप मिट्टी ला रहे हो तो उसके लिए खनन विभाग से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद उद्योग के हिसाब से भी आपको परमिशन लेनी पड़ सकती है, तो इसलिए आपको जहाँ आसपास कहीं पे ईंट का भट्टा चल रहा हो तो वहाँ पे आप जानकारी लें कि आपको किसी से परमिशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपके लिए और अच्छा अनुभव रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। धन्यवाद।